हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यूरोप दौरे पर है। मोदी ने सोमवार को राजधानी बर्लिन में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। ये मुलाकात एक होटल में हुई है। भारतीयों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएनबी फ्रॉड मामले में भगौड़े मेहुल चौकसी के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। सीबीआई ने मेहुल और उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के खिलाफ एक सरकारी कंपनी से 22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया है। गुजरात के केवड़िया में 5 से 7 मई तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। 3 दिवसीय बैठक के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल होंगे। कोविड टीकाकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी शख्स को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो संतुष्ट है कि मौजूदा टीकाकरण नीति को सुनिश्चित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है। इस आम धारणा के बावजूद कि शिक्षा किसी व्यक्ति को रूढ़ियों से मुक्त करके उसे प्रगतिशील बनाता है, शिक्षा और कट्टरता के बीच के संबंध को लेकर हमेशा से एक बहस कायम रही है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर शिक्षा किसी विशेष विचारधारा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हो, तो फिर ये कट्टरता को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। सऊदी अरब में रविवार को चांद ना दिखाई देने के कारण आज चांद दिखने की संभावना जताई गई है। इसके चलते अब ईद कल यानी मंगलवार को मनाई जाएगी। इसी के साथ आज रमजान का आखिरी और सबसे लंबा रोजा मनाया जाएगा। वहीं दिल्ली वासियों को कल गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि दिल्ली वासियों को कल गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। इसे लेकर लोगों में काफ़ी खुशी देखी गई है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,197 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 2,723 लोग ठीक हुए हैं। बता दें कि देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर अब 19,500 हो गए हैं। रविवार को मुंबई से दुर्गापुर के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइसजेट बोइंग B737 विमान SG945 उतरते समय अफरा तफरी मची गई, जिसके चलते परिणाम स्वरूप 12 यात्रियों को गंभीर चोट आई, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बात की जानकारी स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने दी है। अफगानिस्तान की मदद को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सामने आया है। उसने $76 करोड़ यानी करीब 58 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई है। इसका उपयोग देश में गरीबी कम करने और खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।